अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रेक्सर बोरान, जो कि अवयाल ग्रुप का प्रोडक्ट है और इनकी जेली कंपनी है कम बैग्रो, उसका प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में है बोरान 20%, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। 1 किलो इसकी पैकिंग में आता ही है। और इसके फ़ायदे क्या हैं उसकी बात करते हैं। बोरान पौधों की सेहत के लिए कलीदी अहमियत का हामिल सगीरा गजाई जुज़ है। ये पौधों में खलवी दीवार सेल वाल जिसे कहते हैं के बनने और इसकी मजबूती के लिए नहायत अहम है। इसके अलावा ये पौधों में बढ़ोतरी, फूल और फल के बनने और इस तरह मियारी पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। बोरान की कमी की सूरत में सबसे पहले पौधे की बढ़ोतरी और इसका तुलीदी निज़ाम मुतासिर होते हैं, जिससे पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसके साथ साथ पत्तों, फलों और फूलों और फलों के बेशकल होना, पत्तों का छोटा रह जाना, गांठों का कम दरमियानी फासला और पौधे के कद में कमी, गैर पैदावारी शाखों का निकलना और फूलों और फल का केरा भी बुरान की कमी की अहम अलामात हैं। पौधे की शदीद बुरान की शदीद कमी की सूरत में पौधों में ज़मीन से अहम अज्जाए कबीरा मसलन पोटाश और फास्फोरस हासिल करने में भी कमी आती है। बुरान का वैसे तो सबको पता है कि बड़ा पौधे के लिए कितना ज़रूरी है, तो इसका यूज़ लाजमी करना चाहिए। हर फसल में थोड़ा सा करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता, और ये रीज़नेबल प्राइस में भी अवेलेबल है। ड्रैक्सर फूल और फल के केरे में कमी करता है। ये जो फल या फूल लग जाते हैं वो फिर गिरते बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए ये है बड़ा बेस्ट ड्रैक्सर। बेहतर और ज़्यादा बार आवरी के लिए है। ज़्यादा फूल और फल लगते हैं इससे, खुराकी अज़ा की पत्तों से फल की तरह बेहतर मुंतकली होती है। जब हम बुरान का यूज़ करते हैं तो जो खुराक होती है पौधे में नाइट्रोजन, जो अज़ाए सगीरा है, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, वो फल की तरफ उसका जो उसको रिक्वायरमेंट होती है पूरी होती है। ड्रैक्सर भरपूर मेयारी पैदावार के लिए। अच्छा, अब ये आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और ये इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये कपास के ऊपर भी यूज़ होता है, खरबूजा, मिर्च, टमाटर, दीगर सब्जियात, आम, सेब और दीगर बागात, गंदम और धान के ऊपर भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और यूज़ करना भी लाजमी चाहिए। और ये आप 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम आप हर फसल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसका स्प्रे ज़्यादा बेहतर होता है कि फूल निकलने से पहले करें आप, फूल निकलने से पहले करना है आपने, ताकि इस उस टाइम पौधे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसको ला और एक दूसरी बात यह है कि ये आप ज़मीन में भी डाल सकते हैं। 1.5 से 2 किलो ज़मीन के अंदर जब डोज में हम बेजल डोज डालते हैं उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। 1.5 से 2 किलो तो कीमत भी में भी ये मुनासिब है, और ये kisanga.pk के ऊपर भी अवेलेबल है, ऑर्डर कर सकते हैं आप। और ये जो अब रिसेंट जो हमारी फसलें चल रही हैं उसके ऊपर इसका यूज़ करें लाजमी तौर पे, जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया। शुक्रिया।